मिस्र सीमा पर बसे गाजा के शहर रफा के पूर्वी भाग में इजराइल के टैंक और अंदर तक पहुंच गए हैं और वहां पर लड़ाई जारी है। गाजा के अन्य हिस्सों में भी लड़ाई चल रही है। हमास और इस्लामिक जिहाद ने कहा है कि जबालिया में उनके लड़ाके इजरायली सेना से लोहा ले रहे हैं। इस लड़ाई में अभी तक 35,173 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। सहयोगी देशों के लगातार आगाह किए जाने के बावजूद इजरायली सेना रफा में आगे बढ़ती जा रही है और वहां पर उसकी हमास के लड़ाकों से लड़ाई चल रही है। इजरायल ने कहा है कि क्षेत्र में हमास की 4 बटालियन मौजूद है। इस बीच इजरायली सेना की चेतावनी पर रफा से करीब 4,50,000 फिलिस्तीनियों के बाहर जाने की सूचना है, लेकिन अभी लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी रफा में मौजूद हैं। गाजा के बीत लहिया क्षेत्र में इजरायली हमले में 7 लोगों के मारे जाने की और कई के घायल होने की सूचना है। उधर हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने गाजा पर इजरायली कार्रवाई पर सुनवाई फिलहाल रोक दी है। याचिकाकर्ता दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि वह शुक्रवार को मामले में पूरक प्रार्थना पत्र दाखिल करेगा। इस बीच कतर ने कहा है कि उसने गाजा में युद्ध विराम के प्रयास रोक दिए हैं। इजरायली हमलों में गाजा में हो रही मौतों पर नजर रख रही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने महिलाओं और बच्चों की मौत के आंकड़ों को कम बताया है। गाजा के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में हुई मौत से लगभग आधी संख्या संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय के आंकड़ों के सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 8 मई तक गाजा में इजरायली हमलों में 4,900 से अधिक महिलाएं और 7,797 बच्चे मारे गए, जबकि गाजा के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से 6 मई 2024 तक 9,500 महिलाएं और 14,500 बच्चे मारे गए हैं।